अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू जुनेद जमशेद इंफॉर्मेटिव चैनल। मैं आप तमाम व्यूवर्स की एक बार फिर से खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज हम साहिब बहराम ट्रेडिशनल शॉप में मौजूद हैं। इनके पास काफ़ी वैरायटी के ट्रेडिशनल आइटम मौजूद होते हैं, तो आज आप तमाम व्यूवर्स को वो ट्रेडिशनल आइटम दिखाएंगे और साथ साथ यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो आइए शॉप के ऑनर से मिल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो अपनी सेल्फ को इंट्रोड्यूस कराएं, व्यूवर्स को बताएं। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपकी पूरी टीम का, कि आप हमारे पास आए कवरेज के लिए ना। सेकंड ये कि मैं अपने ब्रांड के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। वैसे हमारा ब्रांड का नाम जैसे आपने कहा साहिब बहराम ट्रेडिशनल है, और हम लोग जो फोकस करते हैं वो हैंडमेड आइटम्स में डील करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि पाकिस्तान से रिलेटेड जहाँ पर भी हैंडमेड प्रोडक्ट बनते हो, चाहे वो सिंध में हो, पेशावर में हो, पंजाब में हो, केपीके में हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, या मुख्तलिफ शुमाली इलाकाजात के से बनी हुई चीज़ें आएँ, वो यहाँ हम लोग लेकर आएँ और उसको सेल करें ना। अच्छा, कैटेगरी वाइज मैं आपको मैं बता दूँ, हम लोग कैटेगरीज के अंदर सबसे पहले ज्वेलरी को डील करते हैं। ज्वेलरी में कश्मीरी ज्वेलरी, सिंधी ज्वेलरी, गिलगित से रिलेटेड, कराची से रिलेटेड हर जगह की ज्वेलरी जो है हम लोगों ने रखी हुई है। सेकेंड जो है हम लोग हैंडीक्राफ्ट में काम कर रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट के अंदर जो है हमारे पास मिक्स आइटम है, जैसे ब्रास के आइटम हैं, कॉपर में है, वुडन आइटम्स हैं, ग्लास वर्क हैं, ट्रक आर्ट वगैरह हैं, इससे रिलेटेड कई हमारे पास आइटम मौजूद हैं। इसके अलावा हम लोग ड्रेसेस में काम कर रहे हैं। ड्रेसेस के अंदर हम लोग जो है सकावती ड्रेसेस होगा, ट्रेडिशनल ड्रेसेस होगा, इसमें लेडीज़ और बच्चों दोनों के मौजूद हैं जी। हैंडीक्राफ्ट के बाद हमारे पास जो है ट्रेडिशनल खुसा मौजूद है, हैंडमेड। इसके अलावा हम लोग शॉल्स में डील करते हैं, कश्मीरी शॉल्स है, लोकल हमारी बनी हुई शॉल्स है। इसके अलावा कई प्रोडक्ट हैं हमारे पास ना। ठीक है, तो ये बताएं कि कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं, कितना एक्सपीरियंस हो गया आपको इसमें? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तकरीबन 10 से 12 साल हो चुके हैं इस फील्ड में रहते हुए, और प्रोडक्ट हम लोग कई तरह के प्रोडक्ट ला चुके हैं। हम लोग इवन कराची के अंदर डिफरेंट एग्जीबिशंस भी करते आए हैं, और हमारी एक प्रॉपर एक आउटलेट भी है। ठीक है, ये बताइएगा कि अगर ये जो आप ट्रेडिशनल आइटम या प्रोडक्ट सेल करते हैं, अगर कोई होलसेल में लेना चाहे तो वो भी सहूलत होती है आपके पास? जी बिल्कुल, हम लोग इवन पाकिस्तान में तो खुद ही डील कर रहे हैं, चाहे कराची हो, कराची से बाहर हो, हम लोग खुद ही सेल आउट कर रहे हैं। लेकिन जो कस्टमर बाहर रह के काम कर रहे हैं तो हम लोग बिल्कुल उनको होलसेल में डील करते हैं, और जो होलसेल प्राइस होते हैं उनको हम देते हैं। ठीक है, यानी होलसेल में भी आप प्रोडक्ट देते हैं, अवेलेबल होते हैं आपके पास। इसके अलावा ये बताएं कि कराची से अगर कोई बाहर है तो कार्गो सर्विस मौजूद होती है? जी, अगर देखें कराची से इस्लामाबाद, कराची इस्लामाबाद और गिलगित में हम लोग खुद काम कर रहे हैं ना, इन शहरों के अलावा अगर दूसरे शहरों में अगर वो लेना चाहते हैं तो बिल्कुल हम लोग कार्गो देते हैं, और वो अपनी पसंद से चीज़ें ऑर्डर करवा दें और हम लोग कार्गो कर देते हैं। चलें, तो वकास साहब, अब आप तो के पास जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं, आइटम्स हैं, उन पे नज़र डाल लेते हैं और साथ साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें। जी आइए, बिल्कुल आइए जी। वकास भाई, ये जो हम देख रहे हैं ज्वेलरी, इसके बारे में बताएं, ये कौन सी जगह पे बनाई गई है? आप बोल रहे हैं क्योंकि पूरे पाकिस्तान से कलेक्ट करते हैं ट्रेडिशनल आइटम, तो इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करें। जी बिल्कुल, ये जो अभी आप ज्वेलरी देख रहे हैं ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, इसमें कश्मीरी ज्वेलरी भी मौजूद है, इसमें पेशावर की ज्वेलरी भी मौजूद है, इसमें गिलगित बल्तिस्तान की ज्वेलरी भी मौजूद है। अच्छा, मैक की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, ये मैक जो है वो ज़्यादातर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान और पेशावर में मैक होता है ज़्यादातर। इसमें लेडीज़ और जेंट्स दोनों बैठ के बना रहे होते हैं। इसमें स्टोन्स का काम भी होता है और विदाउट स्टोन्स भी होता है, और जिस तरह का हमारी जो सकाफत माथा पट्टी वगैरह, गुलूबन एयरिंग वगैरह हैं, इस तरह की प्रोडक्ट इसमें आपको नज़र आएगी। अच्छा, ये बताइएगा कि प्राइस रेंजेस कहाँ से स्टार्ट होती हैं और कहाँ एंड होती हैं इसमें? जी, प्राइस की हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको मद्देनज़र रखते हुए जो है ना, हर बंदे के लिए हमने एक नॉर्मल रेंज से स्टार्ट किया हुआ। हमारे पास तकरीबन आपको 100 रुपीज़ से लेके और 2000 तक की प्रोडक्ट मौजूद है हमारे पास। अच्छा, ये ज्वेलरी के अंदर 100 रुपीज़ से लेके 2000 तक की ज्वेलरी आपके पास मौजूद है? जी बिल्कुल, 100 रुपीज़ के आपको ईयरिंग रिंग भी मिल जाएंगे, और उसके अलावा अगर जिस लाइक जैसे जैसे आप पसंद करते जाएंगे उसकी रेंज बढ़ती जाएगी डिपेंडिंग ऑन द हैंडीक्राफ्ट वर्क। बिल्कुल बिल्कुल।
जी, तो ये भी हैंडमेड है सब यहीं के? जी बिल्कुल, ये खासकर जो हैं ये आजकल काफ़ी इन हैं और ये कश्मीरी और पेशावर से रिलेटेड हैं। ये ईयरिंग है हैंडमेड, इसमें मीनाकारी हुई हुई है, हैंडमेड पूरा हाथ का बना हुआ है, इसमें माथा पट्टी वगैरह हो गई जो आजकल बहुत इन हुई हुई है, शादी ब्याह के हवाले से या किसी प्रोग्राम के हवाले से 14 अगस्त 23 मार्च, तो ये हमारे पास काफ़ी कस्टमर्स आते हैं लेने के लिए ना। जी वकास भाई, इसमें देख रहा हूँ डिफरेंट प्रोडक्ट आपने यहाँ पर रखे हुए, जिसमें बैग्स वगैरह भी हैं, इसके अलावा बैंगल्स हैं, एयरिंग्स हैं, तो इनके बारे में भी बताएं। जी जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये हैंडमेड क्लचेस हैं, ये मेटल के बने हुए हैं और हाथ का काम हुआ है, इसमें स्टोन वर्क काम हुआ है, रियल स्टोन इसके ऊपर चिपके हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास इसी तरह से रिलेटेड जो है वो हैंडमेड कड़े हैं, बैंगल्स हैं, बैंगल्स आजकल काफ़ी इन हैं तो वो हमारे पास रखे हुए हैं, ईयरिंग रखे हुए हैं हमारे पास, रिंग रखी हुई है और मुख्तलिफ चीज़ें आप देख रहे हैं, जैसा ये सारी चीज़ें डिस्प्ले हुई हुई है हमारे पास। अच्छा, तो ये जो एयरिंग्स हम देख रहे हैं इसमें क्या रेंजेस हैं? जी इसमें जो आप अभी जो एयरिंग देख रहे हैं इसमें हमारे पास जो है वो 250 से लेके 550 तक रेंज मौजूद है। अच्छा, डिपेंडिंग ऑन द हैंडीक्राफ्ट वर्क। जी बिल्कुल बिल्कुल, सेम यही है, इसमें तकरीबन आपको झुमकी, बाली स्टाइल, टॉप स्टाइल, डिफरेंट कैटेगरीज मौजूद हैं इसके अंदर। लोकल मेड है यहाँ के, और यहाँ पे ये बताएं कि ये भी मल्टीपल जगहों से मंगवाए गए हैं? जी बिल्कुल, हमने हमारे पास जो भी प्रोडक्ट्स हैं ना वो हमने मल्टीपल शहरों से मंगाई हुई है और उसको मर्ज करके एक जगह रखा हुआ है, तो कस्टमर जस्ट लाइक जैसे पसंद करता है, उसकी जस्ट लाइक ऐसी पसंद है वो उसको बाय कर लेता है। जी वकास भाई, ये जो हम देख रहे हैं सेट मौजूद हैं, इसके बारे में भी बता दें। जी बिल्कुल, ये सेट जो है इसके जो प्राइस आप पूछना चाह रहे हैं तो इसके प्राइस जो है वो 550 रुपीज़ के हैं विद ईयरिंग के साथ है ये, और इसी कैटेगरी में कई सारे डिज़ाइन मौजूद हैं और इससे नीचे भी हैं और इससे ऊपर भी प्राइस में आपको मिल जाएंगे। तो आपके पास सेट कितने से कितने रेंज में मिल जाते हैं? सेट हमारे पास 450 से लेके तकरीबन हमारे पास 850, 950 और 1200 तक मिल जाएंगे। जी वकास साहब, ये जो हम सेक्शन देख रहे हैं इसमें जो आइटम्स रखे हैं इसके बारे में भी बता दें। जी बहुत से लोग होते हैं कि वो लेने के बाद कोई बॉक्स भी देखना चाहते हैं, तो आप जैसे वो बॉक्स देख रहे हैं तो ये हैंडमेड बॉक्स है, इसमें आप रिंग्स, ईयरिंग्स, नेकलेस वगैरह रख के जो है आप इसको गिफ्ट दे सकते हैं या आप अपने घर पर भी रख सकते हैं। इसके अलावा इसके बराबर में भी आप देख रहे हैं, जैसे ये नेकलेस है, ये स्टोन्स के बने हुए नेकलेस है, ये गिलगित बत्तिसान से निकले हुए स्टोन्स हैं, वहीं की होममेड है और वहीं से हम लोगों ने मंगाए हैं और ये आपके सामने पेश कर रहे हैं। अच्छा, तो इनकी प्राइस रेंजेस क्या होती हैं? इसके बिल्कुल मिनिमम प्राइस हैं, जैसे इसके 300 रुपीज़ इसके नेकलेस के प्राइस हैं और ये बॉक्स जो है हमारे पास 150 से लेके 350 तक मौजूद है। जी यहाँ पे देख रहा हूँ स्पेशल डिज़ाइन की बैंगल्स आ गई हैं, इनके बारे में भी बताएं। जी बैंगल्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कई तरह के डिज़ाइन मौजूद हैं, जो अभी आप देख रहे हैं डिज़ाइन ये मेटल के बने हुए हैं, इसमें पूरे पूरे सेट्स हम लोगों ने बनाए हुए हैं, इसमें आपको गोल्डन, सिल्वर, कॉपर सब तरह के कलर्स आपको मिल जाएंगे। इसकी प्राइस रेंज के बारे में पता करना चाहते हैं, इसके प्राइस रेंज 400 से लेके 550 तक मौजूद है हमारे पास। अच्छा, ये बताएगा कि सेट में कितने बैंगल्स होते हैं एक? देखिए मिनिमम जो सेट्स होता है उसमें 12 क्वांटिटी तो होती है, उससे बढ़ के भी हो सकती है। अच्छा, तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं मल्टीपल सेट्स रखे हुए, ये बेसिकली एक सेट है? जी बिल्कुल, ये बंधे हुए हैं और ये पूरा एक सेट मतलब मिल जाएगा आपको, आप इसको उठाएंगे तो ये पूरा हैंग हुआ हुआ है, बंधा हुआ है ये, यानी मल्टीपल सेट्स आपने यहाँ पे रखे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जी वकास भाई, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं इसके बारे में बताएं। ये सकाफती ज्वेलरी है, इसमें आपको जो है वो कड़े मिल जाएंगे, गुलूबन मिल जाएंगे, माथा पट्टी मिल जाएंगे, रिंग मिल जाएंगे आपको, टॉप्स मिल जाएंगे, नेकलेसेस मिल जाएंगे आपको, जैसे आप पंजा देख रहे हैं भाई आपको दिखाएंगे पंजा, इसमें रिंग्स मौजूद हैं, 4 से 5 रिंग्स होंगी और ये कड़ा हाथ में पहना जाएगा जो काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। इसके अलावा आपको दूसरे भी गुलूबन आपको मिल जाएंगे चौकर स्टाइल से, इसमें 4 कलर्स 3 कलर्स इस तरह से अवेलेबल हैं। रिंगे मौजूद हैं, रिंगे भी हैंडमेड रिंग्स हैं हमारे पास स्टोन्स वगैरह के अंदर, जस्ट लाइक आप देख रहे हैं अभी। इसकी प्राइस रेंजेस क्या होती हैं यहाँ पे? देखें इसमें मिक्स आइटम लगे हुए, ऐसे रिंग की बात करें तो 150 से लेके हमारे पास 300 तक मौजूद है, कड़े की बात करें तो हमारे पास 250 से लेके जो है वो 1050 तक मौजूद है। जी वकास भाई, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक बंच में आपने रिंग्स रखी हुई हैं, इनके बारे में बताएं। जी इसमें मुख्तलिफ रिंग्स हैं, इसमें छल्ला स्टाइल भी है, इसमें वनक में भी है, इसमें डिफरेंट रिंग्स के डिज़ाइन मौजूद हैं, तो कस्टमर अपनी पसंद से कोई भी चूज़ करना चाहता है वो ले सकता है इसमें। अच्छा, तो क्या रेंजेस के हिसाब से ये रिंग है? इसमें भी मिनिमम रेंज हमारे पास 150 से लेके 250-300 तक रिंग मौजूद है। अच्छा, तो ये भी हैंडमेड है? जी ज़्यादातर हमारा फोकस हैंडमेड में है, ज़्यादातर हैंडमेड है। जी वकास भाई, ये जो हम देख रहे हैं ये रियल गिनी फॉल के पैरों से बनी है, फेदर से बनी है? जी इसके बारे में तो मैं आपको कन्फर्म नहीं कह सकता, लेकिन ये है मतलब रियली
और फेदर के बने हुए हैं, जो कस्टमर्स की डिमांड्स है कलरफुल्स वगैरह के हवाले से, तो इसकी भी हम लोगों ने प्रोडक्ट रखी हुई है। अच्छा, बिल्कुल एक यूनिक टच है, एक डिफरेंट आइटम। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश हमारी पूरी यही होती है कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पे मौजूद हों और कस्टमर्स को इसको एंजॉय करें और इसको बाय करें। तो इनकी क्या प्राइसेस हैं? इसके जस्ट 250 प्राइसेस हैं। जी वकास भाई, ये तो हमने ज्वेलरी कवर कर लिए, अब आप व्यूअर्स को कौन सा प्रोडक्ट दिखाएंगे? जी हम आपको सेकेंड कैटेगरी की बस ले चलते हैं। हमारे पास शॉल्स हैं, हैंडमेड शॉल्स हैं, जिसमें कश्मीरी शॉल्स ज़्यादा फोकस किए हैं। स्टॉल्स हैं हमारे पास, मफलर्स वगैरह हैं, तो आइए हम आपको वो दिखाते हैं। चलिए देख लेते हैं। जी व्यूअर्स, तो हम इस टाइम शॉल सेक्शन देख रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे हम डिफरेंट स्टाइल की और डिज़ाइनिंग की शॉल्स मौजूद हैं, तो देखते हैं। जी वकास भाई, ये जो हम देख रहे हैं शॉल, इसके बारे में बताएं फैब्रिक के हवाले से। फैब्रिक इसमें ये लीलन पे बनी हुई है, ये इसका जो ब्लॉक हुआ हुआ इसके ऊपर, और इसमें शीशे की टकाई हुई है, हाथ से बनाई हुई है और उसको बनाया गया सिन से हम लोगों ने बनवाई है, और काफ़ी खूबसूरत इसके अंदर कलर्स आपको मिल जाएंगे। तकरीबन 20 से 25 कलर इसके अंदर मौजूद हैं और बहुत खूबसूरत लिखती हुई है वियरिंग के बाद ना। जी ये इसी का कलर? जी इसके ये सेकंड कलर है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये अजरक से रिलेटेड आपको नज़र आएगी, और इसमें ब्लॉक आपको नज़र आ जा रहा होगा, और इसमें शीशे वगैरह की जो टकाई हुई है तो काफ़ी खूबसूरत नज़र आती है ये। ओके, तो इनमें क्या प्राइस रेंजेस चल रही हैं? इसमें जो प्राइस रेंज है ये आपको 2100 रुपीज़ की मिल जाएगी, हैंडमेड प्रोडक्ट से पूरी है। जी वकास भाई, ये जो हम देख रहे हैं शॉल, इसके बारे में बताएं फैब्रिक कौन सी है इसकी? जी ये नेट पे बना हुआ है, हमारे पास में शेफून पे भी मिल जाएगा आपको। ये आरी का वर्क खिलाता है, इसमें डिफरेंट डिज़ाइन मौजूद हैं और डिफरेंट कलर्स मौजूद हैं हमारे पास ना। तो इसके प्राइस रेंजेस क्या हैं? ये आपको 1500 से लेके 2000 तक के प्राइस में आपको मिल जाएगा। जी वकास भाई, ये जो हम शॉल देख रहे हैं इसके बारे में बताएं। जी ये कश्मीरी शॉल से, इसका मटेरियल वूलन पे बना हुआ है, सेल्फ डिज़ाइन के अंदर मौजूद है, आरी वर्क हुआ हुआ है, टू साइड पैनल हैं इसके, और फुल शॉल से ये प्योर कश्मीरी। जी तो ये बताएँ कि इसमें फैब्रिक कौन सा बता रहे हैं आप? फैब्रिक जो है ये वुलन पे बना हुआ है, खासकर विंटर में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, इवन कराची से बाहर या पाकिस्तान से बाहर है ना। ओके, तो प्राइस रेंजेस क्या हैं इन शॉलों की? इन शॉलों की जो प्राइस रेंज है वो मेरे पास 2000 से लेके 4500 तक मौजूद है। इसमें कई तरह की वैरायटी मेरे पास मौजूद है। जी ये जो हम देख रहे हैं शॉल, इसके बारे में बताएं। जी ये भी कश्मीरी शॉल्स है, लेकिन इसमें साइज़ में फ़र्क है, वो आपने देखी थी फुल शॉल्स, ये हाफ़ शॉल्स खिलाती है। ये ज़्यादातर लड़कियों के लिए भी वेयर कर सकते हैं, या इवन ये समर में भी इस्तेमाल हो सकती है हाफ़ शॉल्स। ये वही पैटर्न पर बनी हुई है और आरी का काम हुआ हुआ इसके ऊपर। तो क्या प्राइस हैं इसके? इसके प्राइस हैं 1050 रुपीस। अच्छा, मल्टीपल कलर्स में भी मौजूद आपके पास? जी अल्लाह का शुक्र है, हमारे पास तकरीबन इसमें काफ़ी रेंज मौजूद है और काफ़ी डिज़ाइन मौजूद है, इसमें 10 से 12 कलर्स मौजूद हैं हमारे पास। जी वकास भाई, ये जो हम शॉल देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि शेडेड शॉल है, डिफरेंट कलर का शेड आ रहा है, इसके बारे में बताएं। जी ये शर्ट्स आप देख रहे हैं, ये पश्मीना स्टॉल्स खिलाता है, और ये काफ़ी सॉफ्ट कपड़ा होता है, और ख़ासकर ये गर्ल्स जो स्कार्फ पहनती हैं स्कूल और हवाले से, कॉलेज के हवाले से, या ख़वातीन जो स्कार्फ पहनती हैं हिजाब के ऊपर, तो ये उसके लिए काफ़ी बेहतर रहता है। अच्छा, तो इसकी क्या प्राइस रेंजेस हैं? इसके हमारे पास तकरीबन 500 से लेके 1000 तक की रेंज हमारे पास मौजूद है। फैब्रिक कौन सा है? ज़्यादातर हम लोगों ने पश्मीना यूज़ किया हुआ, जैसे समर आ रहा है तो उसमें लॉन और कॉटन के भी अवेलेबल हैं। जी वकास भाई, ये जो हम देख रहे हैं शॉल, इसके बारे में बताएं। जी ये भी स्टॉल्स है, ये डिफरेंट डिज़ाइन में हमारे पास मौजूद हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के अंदर भी मौजूद हैं हमारे पास, चेक में, प्लेन में, वेडिंग के अंदर, डिफरेंट कैटेगरीज में हमारे पास अवेलेबल हैं। अच्छा, तो इनकी क्या प्राइस रेंजेस हैं? ये भी आपको तकरीबन 750 से लेके 1050 तक की रेंज में मिल जाएगा। अच्छा वकास भाई, यहाँ पे देख रहा हूँ डिफरेंट कलर मौजूद हैं। जी इसमें डिफरेंट ब्रांड्स और डिफरेंट कलर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तकरीबन 6 से 7 ब्रांड्स हमारे पास इसके अंदर मौजूद है, और उसके अंदर डिफरेंट कलर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अच्छा ये बताएं कि इसमें कौन सी फैब्रिक यूज़ हुई है? ज़्यादातर इसके अंदर जो है वो पश्मीना यूज़ हुई हुई है, और अगर विंटर आ जाता तो इसको हम वूलन में लेकर आ जाते हैं, अगर समर आ जाता है उसको हम लोग कॉटन और लॉन में ले आते हैं। डिपेंडिंग ऑन द सीज़न फैब्रिक चेंज होता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सीज़न वाइज जो है ये वेयर किया जाता है, समर में थोड़ा सा लाइट फैब्रिक यूज़ किया जाता है, विंटर में थोड़ा सा गर्म फैब्रिक यूज़ किया जाता है। अच्छा, तो क्या प्राइस में भी डिफरेंस आते हैं? जी प्राइस में बिल्कुल डिफरेंट आता है, जैसे लोन काफ़ी सस्ता रहता है, तो लोन के जो प्राइस होते हैं वो 450 से स्टार्ट हो जाते हैं 700 तक, और अगर जब विंटर आता है तो उसमें वूलन का मटेरियल शामिल हो जाता है, तो वो 750 से लेके 1500 तक की रेंज में चले जाता है। जी वकास भाई, अब क्या दिखाएंगे व्यूअर्स को? जी अब हम आपको तीसरी कैटेगरी की तरफ ले जाते हैं, हमारे पास ट्रेडिशनल खुसे मौजूद हैं और उसमें डिफरेंट डिज़ाइन मौजूद हैं, आइए चलते हैं वो दिखाते हैं आपको। चलें देख लेते हैं। जी यहाँ पे देख रहा हूँ डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट
लॉबी के रखे हुए हैं कुछ, तो इनके बारे में बताएं। जी बिल्कुल, वैसे कि हमारी कोशिश यही है कि हम अपनी शॉप के अंदर सारी चीज़ें मौजूद रखें, कस्टमर्स को जो है एक ही जगह पे सब चीज़ें ट्रेडिशनल मिल सके, इसलिए हमने खुस्सा भी रखे हुए हैं। खुस्से में हमारे डिफरेंट डिज़ाइन हैं, इसमें थ्रेड वर्क हैंडमेड भी खुस्से मौजूद है, इसमें लेदर के अंदर है, प्योर लेदर में है, आर्टिफिशियल लेदर में है, डिफरेंट वराइटीज़ मौजूद है इसके अंदर जो है ना। अच्छा, क्वालिटी के अतबार से बात करें तो कैसे इसको ब्रीफ करेंगे? जी, क्वालिटी के हवाले से हम लोगों ने इसको काफ़ी सर्च करके हम लोगों ने स्टार्ट की है। सबसे बेहतर जो खुस्सा है वो सिन कनकोट के इलाके से बनाया जाता है, उसकी मजबूती, उसकी पायदारी काफ़ी अच्छी रहती है और सॉफ्ट रहता है, वॉशेबल भी होता है ये। अच्छा, तो लाइफ के हवाले से बात करें तो कितनी अरसे तक चल जाते हैं? देखिए, ये तो पहनने वाले के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह इसको वेयर करता है। वैसे तो अमूमन खुस्सा तकरीबन 1.5 ईयर्स तक आराम से चल जाता है। ठीक है, तो प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। प्राइस रेंज इसके अंदर आपको डिफरेंट प्राइस रेंज मौजूद है, लेकिन हम लोगों ने एक जैसे लाइक एक देखेंगे तो हमारे पास 500 से लेके आपको 1500 तक के खुस्से मौजूद हैं। जी वकास भाई, आप क्या दिखाएंगे व्यूवर्स को? जी, अब आपको 4 कैटेगरी की तरफ ले चलता हूँ। इसमें हमारे पास ड्रेसेस मौजूद हैं, कल्चर से रिलेटेड ड्रेसेस हैं, बच्चों और बड़ों के दोनों के ड्रेसेस मौजूद हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। चलें देख लेते हैं। जी यहाँ पे देख रहा हूँ काफ़ी स्मॉल साइज़ के ड्रेस मौजूद हैं। जी, ये डिमांड ऑफ कस्टमर्स की है कि हमें जो है बच्चों के भी ड्रेसेस कल्चर से रिलेटेड दिखाए जाएँ, जो डिफरेंट इवेंट्स में पहने जा सकें। जैसे कि ये आपको दिखा रहे हैं भाई, आपको ये ट्रेडिशनल ड्रेस है, इसकी ये पट्टी स्टाइल एक दुपट्टा दिया हुआ है जो माथे को कवर करता है, और इसका एक ट्राउज़र इसमें बटन में भी काम हुआ हुआ है, और पूरा ये फ्रॉग स्टाइल से, तो काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन से ये जो बच्चों में काफ़ी प्यारा लगता है। अच्छा, तो प्राइस रेंज इसके हवाले से बात करें ये स्मॉल ड्रेसेस की? स्मॉल ड्रेसेस हमारे पास जो मौजूद हैं इस वक्त वो 1500 से लेके 2000 तक मौजूद हैं। जी वकास भाई, इसमें डिफरेंट कलर भी मौजूद हैं आपके पास? जी, कस्टमर्स की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें आपको 4 से 5 कलर्स अवेलेबल हैं, जस्ट लाइक जैसे उनका दिल चाहे वो मेहंदी के ओकेजन्स में 23 मार्च, 14 अगस्त या डिफरेंट इवेंट्स में इसको वो चला सकते हैं। हमारे पास तकरीबन इसके 4 से 5 कलर्स मौजूद हैं। अच्छा, और इसमें आपने कितनी एज के बच्चों का बताया? 6 मंथ से लेके आपको 8 ईयर्स तक मिल जाता है, इसके अलावा भी आपको बड़े मिल जाएंगे, वो ऑन डिमांड पर हम लोग बना लेते हैं। ओके, यानी कि डिमांड भी ले लेते हैं, प्लस यहाँ पे जो मौजूद हैं आपके पास वो 3 साल से 9 साल के बच्चों तक के? जी, 6 महीने से लेके 8 ईयर्स तक मौजूद हैं हमारे पास, अवेलेबल हैं। अगर कस्टमर्स कहते हैं कि हमें तकरीबन 10 ईयर्स का भी आप करवा के दे दें तो हम लोग वो भी बनवा देते हैं। जी वकास साहब, ये जो हम देख रहे हैं शर्ट्स स्मॉल, इसके बारे में बताएं। जी, ये कुर्ती है, शॉर्ट कुर्ती कहलाती है ये, और ये लॉन पे बनी हुई है, ब्लॉक प्रिंट के साथ है, इसमें ट्रेडिशनल टच दिया हुआ है इसके शोल्डर के ऊपर, बैक साइड के ऊपर, तो बच्चों में काफ़ी पसंद किया जाता है, तो हम लोगों ने ये भी छोटे बच्चों के हवाले से डिज़ाइन की हुई है। अच्छा, ये भी 6 माह से स्टार्ट है? जी, इसमें भी आपको 6 मंथ से लेके तकरीबन 8 ईयर्स तक का साइज़ आपको मिल जाएगा। तो इनकी प्राइस रेंजेस क्या होंगे? ये हमारे पास जो है वो 800 से लेके 1050 तक मौजूद है। जी, बड़े साइज़ के भी ड्रेस मौजूद हैं आपके पास? जी, बड़े साइज़ के ज़्यादातर हम लोगों ने वो शर्ट्स कुर्ती स्टाइल हम लोगों ने रखा है डिफरेंट डिज़ाइंस के अंदर, तो आइए चलें हम आपको दिखा दें। जैसे अभी ये भाई दिखा रहे हैं आपको, ये ट्रेडिशनल शॉर्ट कुर्ती कहलाती है, इसमें दोनों साइड पे काम किया हुआ है, बूटी स्टाइल के अंदर है, इसके अंदर ब्लॉक प्रिंट हुआ हुआ है, और इसको वेयर कर सकते हैं टाइट्स, ट्राउज़र, जीन्स के हवाले से कस्टमर अपनी डिमांड के ऊपर ना। तो ये बताएं, ये कितने एजेस के लोगों के लिए मौजूद है आपके पास? जी, वैसे तो ये सब बड़ी शर्ट्स हैं, इसमें तकरीबन 16 ईयर्स से स्टार्ट हैं और हर साइज़ में आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। अच्छा, तो प्राइस रेंजेस क्या होंगे इसमें? प्राइस रेंज जो है इसके अंदर 1500 से लेके 2200 तक की प्राइस रेंज मौजूद है, इसमें छोटे बड़े सब मौजूद हैं इसके अंदर। तो फैब्रिक कौन सी यूज़ हुई इसमें? ज़्यादातर इसके अंदर जो है वो हम लोगों ने लिलन कॉटन यूज़ किया हुआ है, थोड़ा बहुत हम लोगों ने लॉन भी यूज़ कर दिया, जैसे लाइक अभी समर आ गया है तो हम लोगों ने लॉन भी यूज़ करते हैं, इसमें आपको हर सीज़न में मिल जाएंगे। अच्छा, तो ये डिज़ाइंस मिल जाएंगे, इसके अलावा भी अगर कोई डिमांड करता है किसी डिज़ाइन की तो वो आप डिज़ाइन करवा देते हैं? जी, देख देते हैं, अगर हमारे अंदर पॉसिबल है कि कस्टमर्स अगर अपना डिज़ाइन दे रहा है और हम लोग उसको बना सकते हैं तो हम लोग पहले डिज़ाइन देखते हैं, अगर इजीली वो इसको काम कर सकते हैं तो हम लोग ऑर्डर ले लेते हैं, वरना अदरवाइज़ हमारे पास खुद अपना इतने डिज़ाइन मौजूद हैं तो कस्टमर उसको पसंद कर लेता है। अच्छा, तो इनकी भी प्राइसेस वही होती हैं क्या?
जी कुर्ती के प्राइस तो अलग हैं, इनके प्राइस थोड़ा डिफरेंट हैं। ये तकरीबन 3000 से लेके 4500 तक मौजूद हैं हमारे पास डिफरेंट डिज़ाइन और डिफरेंट क्वालिटी के अंदर। जी आपके डिस्प्ले में जो हम ड्रेस देख रहे हैं इसके बारे में बताएं। जी ये एक ट्रेडिशनल ड्रेसेस है, जैसे आपने बच्चों का देखा था इसी का सेम बड़ा का है, और इसमें डिफरेंट पार्टी में यूज़ कर सकते हैं आप। इसके अंदर डिफरेंट कलर्स मौजूद हैं हमारे पास में। तो फैब्रिक कौन सी है इसमें? इसमें ज़्यादातर शेफून इस्तेमाल होता है, इसमें कॉटन सिल्क इस्तेमाल होता है, सिल्क कपड़ा इस्तेमाल होता है, वेलवेट भी आ जाता है इसमें, डिफरेंट 3-4 तरह के फैब्रिक इस्तेमाल हो जाते हैं। तो इसमें क्या प्राइस रेंजेस हैं? बड़ों की जो प्राइस रेंजेस हैं तकरीबन इसके 7000 से लेकर 10000 तक मौजूद है। इसमें पूरी चीज़ें मौजूद हैं, इसमें इवन माथा पट्टी भी ऐड हुई हुई है। जी वकास भाई आपने ड्रेसेस तो दिखा दिए, अब कौन से ट्रेडिशनल प्रोडक्ट दिखाएंगे, आइटम दिखाएंगे? जी अब हम आपको अपनी सेकेंड कैटेगरी की तरफ ले चलते हैं, हैंडीक्राफ्ट की तरफ ना, और हैंडीक्राफ्ट के अंदर आपको दिखाते हैं, आ जाएँ। चलिए देख लेते हैं। जी वकास भाई देख रहा हूँ यहाँ पे आपके पास काफ़ी डिफरेंट आइटम मौजूद हैं और काफ़ी यूनिक टच है इनके अंदर, तो सबसे पहले तो बता दें इनकी क्वालिटी के बारे में, कहाँ के मेड हैं। जी हैंडीक्राफ्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास डिफरेंट एरिया से मौजूद हैं। अगर आप इसके एरियाज़ वाइज देखा जाएंगे तो इसमें ज़्यादातर हमारे पास जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से रिलेटेड हैं, पिशावर से, चित्राल से रिलेटेड हैं, कुछ हमारे पास बलूचिस्तान के क्राफ्ट मौजूद हैं, सिंध के हैं, लाहौर के हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा तो ये बताइएगा इनमें प्राइस रेंजेस कहाँ से स्टार्ट हो रही है? जी हैंडीक्राफ्ट तो खैर मुख्तलिफ हमारे पास प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, तो हैंडीक्राफ्ट में भी हम लोगों ने प्राइस को मद्देनजर रखा हुआ है। आपको 450 से लेके तकरीबन 5000-6000 तक की रेंज में आपको हैंडीक्राफ्ट मिल जाएगा, हर तरह के डिज़ाइन वॉल हैंगिंग्स वगैरह मटेरियल में मौजूद है। अच्छा तो इसमें होगा क्या क्या चीज़, प्रोडक्ट क्या क्या होंगे इसमें हैंडीक्राफ्ट में? इसके अंदर हमारे पास कंदीले हैं कॉपर के अंदर, हमारे पास वॉल हैंगिंग्स हैं, हमारे पास लालटेन स्ट्रकार्ट मौजूद हैं, हमारे पास कॉस्टर मौजूद हैं, हमारे पास ट्रेडिशनल डेकोरेशन पीसेस मौजूद हैं, रिक्शा ट्रक के मॉडल मौजूद हैं, कई तरह के चीज़ें मौजूद हैं, ज्वेलरी बॉक्सेस हैं, हर तरह की चीज़ें मौजूद हैं। जस्ट लाइक जैसे उसकी चीज़ होगी उससे उसके प्राइस होते हैं। ओके और इसके अलावा जो डेकोरेशन की आपने बात की, तो डेकोरेशन में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? जी डेकोरेशन के अंदर जो है ना वॉल हैंगिंग आ जाती है, वॉल पे लगाने के डिफरेंट पैचेस आ जाते हैं, इसमें ट्रक आर्ट के जो है ना वॉल हैंगिंग आ जाते हैं, इसमें स्पून सेट्स आ जाते हैं वॉल हैंगिंग के हवाले से, इसमें डोर फ्रेम्स आ जाते हैं इसके अंदर इस वॉल हैंगिंग के हवाले से, इसके अंदर डेकोरेशन पीसेस टेबल्स पर रखने के लिए जो है डिफरेंट मॉडल्स हैं, इसमें मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की पॉट्स आ जाती हैं, मुख्तलिफ किस्म की ट्रांसपोर्ट आ जाती है, और कई तरह के मॉडल्स आ जाते हैं हमारे कैसे ट्रक आर्ट के अंदर मौजूद हैं, इस तरह की काफ़ी कोस्टर्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें, कई तरह की चीज़ें मौजूद हैं। तो इनकी प्राइस रेंजेस कहाँ से स्टार्ट होती हैं? इनकी प्राइस रेंज जो है वो मटेरियल वाइज यूज़ किया जाती है, जैसे अगर वो ब्रास का मटेरियल होता है तो वो 1000 रुपीज़ से लेके उसके साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, तकरीबन 1500-2000 की रेंज में है। अच्छा और जो वुडन वर्क है? जी जैसे वुडन वर्क है, ग्लास वर्क मौजूद है, तो हमारे पास वो 250 से लेके तकरीबन 1500-2000 तक की रेंज में मौजूद है, उसमें डिफरेंट साइज़ के हवाले से मौजूद है। ओके और डेकोरेशन के ये प्रोडक्ट के अलावा अगर कोई कुछ और डिमांड करता है तो वो भी अरेंज कर देते हैं? जी देखते हैं हम लोग, अगर कस्टमर थोड़ा यूनिक चीज़ चाह रहा है जैसे पानदान वगैरह की डिमांड करता है या कोई डिफरेंट चीज़ की हवाले से डिमांड करता है तो हम लोग वो भी अरेंज करके दे देते हैं, और जिसके जो मुनासिब प्राइस होते हैं कस्टमर को हम लोग पहले उनको बता देते हैं, उनको व्हाट्सअप कर देते हैं, इसके बाद हम लोग उनको दिखा देते हैं। जी वकास भाई ये जो हम देख रहे हैं इसके बारे में बताएं। जी ये ढाल सेट है और ये वॉल पे लगता है, इसके पीछे एक लाइट्स भी लगी हुई है और डिफरेंट मटेरियल्स में आता है, ये इस वक्त एल्युमिनियम में मौजूद है और दो इसके तलवार लगी हुई है और ये ढाल सेट है, डेकोरेशन पीसेस है ये। तो इसके क्या प्राइस हैं? इसके प्राइस तकरीबन 6500 के हवाले से है। इसी के तरह आपके पास और भी प्रोडक्ट मौजूद हैं? जी अगर मटेरियल से हट के बात करेंगे और एल्युमिनियम को हटा के आप कॉपर पर आ जाएंगे तो उसके प्राइस थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। अच्छा ये जो भी हम देख रहे हैं इसके बारे में बताएं। इसी तरह का एक छोटा मॉडल मौजूद है, ये कुल्हाड़े का मॉडल है, नीचे थोड़े से छोटी इसके अंदर तलवार भी लटक रही है, ये भी एल्युमिनियम पे। तो इसके क्या प्राइस हैं? ये 2100 रुपीज़ इसके प्राइजेस हैं। जी वकास भाई ये क्या दिखा रहे हैं? जी ये डिफरेंट हम लोगों ने तलवार वगैरह डेगर्स वगैरह रखे हुए हैं, कुछ ट्रेडिशनल के हवाले से हैं, कुछ हमारे जो इवेंट्स वगैरह होते हैं उसमें इस्तेमाल हो जाते हैं, कुछ सकाफत से रिलेटेड हैं, बहुत से लोग शादी ब्याह में भी इस्तेमाल करते हैं, दूल्हा वगैरह हाथ में पकड़ लेता है तो उस हवाले से भी कैटेगरी मौजूद है। काफ़ी डिफरेंट यूनिक चीज़ है। जी बिल्कुल, आपने अगर देखा होगा हमारे कल्चर में गिलगित बल्तिस्तान में इसका तलवार डांस काफ़ी मशहूर है, तो उसी हवाले से ये थोड़ी प्रोडक्ट भी मौजूद है।
बेसिकली है तो फेक ही। जी फेक है, बिल्कुल ब्लाइंड है। अच्छा, हम लोगों ने इसको मद्देनजर रखा हुआ है क्योंकि कस्टमर्स हर तरह के आते हैं, बच्चों के साथ आते हैं, तो ये सारे डेगर्स और तलवार जो हैं सब ब्लाइंड है। अच्छा, तो ये बताइएगा कि यहाँ पे आपने डिफरेंट कैटेगरीज की रखी हुई हैं, तो क्या प्राइस रेंजेस हैं इनकी? जी जैसे मैंने आपको पहले सिल्वर में दिखाई थी, ये 5500 की मौजूद है। इसके सेकंड कलर कैमल के अंदर मौजूद है। कैमल की खोल के दिखाए गए? जी बिल्कुल, कैमल भी आपको खोल के दिखा देते हैं। ये सेकंड कलर है इसका, इसके भी सेम प्राइस है 5500 रुपीज़। तो इसके प्राइस बताएँ, 5500 रुपीज़? जी 5500 रुपीज़ इसके प्राइस है। इसके अंदर कैटेगरीज आती हैं आपको तकरीबन 5000 से लेके 6500 तक की रेंज में आपको मिलेंगे। मेड है ये कौन से मटेरियल पे मेड है? इसका जो ब्लेड है ये स्टेनलेस स्टील है। इसका जो दस्ता दिया हुआ है ये एक कॉपर पे दिया हुआ है, ब्रास पे आ जाता है। इसके अंदर डिफरेंट मटेरियल्स में इसका आपको मिल जाएगा इसके अंदर। इसके अलावा मैं आपको छोटे डेगर दिखाना चाहूँगा। ये मुख्तलिफ डिज़ाइन के डेगर्स मेरे पास मौजूद हैं। पहले हम इसको खुद खोल के दिखा देते हैं। जैसे जो इसको लाइक करते हैं या कोई इवेंट में इस्तेमाल करते हैं तो ये मौजूद है हमारे पास। वजनी है क्या? कौन सा मटेरियल है और क्या वेट होगा इसका? जी तकरीबन इसका 1 kg तो वेट होगा और ये ब्रास में बना हुआ है। इसका जो इसका दस्ता है ये भी ब्रास के अंदर मौजूद है, वेटेड है ये भी। और इसको आप जो है घर में भी फॉर डेकोरेशन के लिए भी आप इसको हैंग कर सकते हैं और आप इसको लगा भी सकते हैं अपने पॉकेट्स के अंदर ना। तो इसमें डिफरेंट डिज़ाइन मौजूद हैं। एक ये डिज़ाइन मौजूद है, ये छोटा है, कस्टमर की डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का डेगर्स चाह रहा है। तो इस तरह की इसके अंदर बेल्ट में लगाने वाले हुक भी दिए हुए हैं। 18,000 रुपीज़ की ये तलवार के प्राइस बता रहे हैं। और ये बताइएगा कि जो आपने डेगर्स दिखाए हैं किस रेंज से स्टार्ट होते हैं? डेगर्स जो है हमारे पास 1500 से लेके 2500 तक की रेंज में मौजूद हैं। 1500 से लेके 2500 तक के डैगर्स इनके पास मौजूद हैं जिसमें डिफरेंट स्टाइल मौजूद हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई स्टाइल के बनवाना चाहे तो आप डिज़ाइनिंग कर देते हैं इनके भी? डैगर्स में तो खैर हम लोग स्टाइल डिज़ाइन नहीं करते हैं, लेकिन हमारे पास इसके अंदर इतनी रेंज मौजूद है, कस्टमर्स वो चॉइस करने में काफ़ी आसानी रहती है उनको ना, क्योंकि बेसिकली ये डेकोरेटिव आइटम है, वॉल्स वगैरह पे लोग लगाते हैं। जी बिल्कुल डेकोरेटिव आइटम है, बहुत से लोग अपने इवेंट्स वगैरह में डिफरेंट डिज़ाइन इंस्टॉल करते हैं, मॉडल्स वगैरह ले लेते हैं, तो इसी तरह की वैरायटीज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। जी यहाँ पे जो आइटम्स रखे हैं इनके बारे में बताएं। जी ये हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, इसमें आपको ढोल नज़र आ रहे होंगे, इसमें आपको हैंडमेड डोल नज़र आ रही होगी, तबले नज़र आ रहे होंगे, ट्रक आर्ट के लेटर हैंग बॉक्स नज़र आ रहे होंगे, इस तरह की चीज़ें इसके अंदर मौजूद है ना। अच्छा, ये भी डेकोरेटिव हैं जो एग्जीबिशन वगैरह लगाते हैं आप? जी बिल्कुल, ये सकाफत से रिलेटेड है, जो हमारी जो सकाफत है, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हमारे पास इस तरह मौजूद हैं, ढोल से रिलेटेड हैं, तबले से रिलेटेड हैं और कुछ हैंडमेड जो हैं वो डोल्स वगैरह हैं, फैब्रिक की बनी हुई है। अच्छा, इनके क्या प्राइस रेंजेस होते हैं? अगर आप ढोल वगैरह से रिलेटेड पूछना चाह रहे हैं तो वो छोटे ढोल हमारे पास स्टार्ट हो रहे हैं तकरीबन 600 से लेके और बड़े ढोल तक तकरीबन चले आते हैं 3500 तक। जी वकास भाई, यहाँ पे देख रहा हूँ आपके पास बैग्स भी मौजूद हैं, तो इन बैग्स के बारे में बताएं, क्लचेस भी मौजूद हैं? जी हमारे पास डिफरेंट पाउचेस, डिफरेंट क्लचेस और बड़े हैंगिंग बैग्स मौजूद हैं। इसमें हमारे पास ज़्यादातर हैंडमेड हैं और कुछ मशीन वर्क के काम में भी मौजूद हैं। तो क्या प्राइस रेंज से स्टार्ट होते हैं ये पाउचेस? अगर हम देखें तो हमारे पास तकरीबन 350 से लेके 750 तक के छोटे पाउचेस आपको हाथ में पकड़ने वाले मिल जाएंगे। और बैग्स में आप बात करेंगे तो बैग्स में हमारे पास तकरीबन 1050 से लेके 1800 तक की बैग्स हमारे पास अवेलेबल हैं। जी मैं देख रहा हूँ आपके पास की चेन्स भी मौजूद हैं यहाँ पे। जी की चेन हमारे पास डिफरेंट स्टाइल में मौजूद हैं, इसमें डिफरेंट मॉडल्स दिए हुए हैं, इसमें कुछ मेटल में भी है, कुछ बुक स्टाइल में भी है, वुडन आइटम्स में भी है, कुछ ट्रेडिशनल है, करेंसी पाकिस्तान की है, इस तरह की चीज़ें किचन से मौजूद हैं। अच्छा, तो किचन की प्राइस रेंजेस कहाँ से स्टार्ट हैं? किचन भी मिनिमम प्राइस से हम लोगों ने स्टार्ट की है, वो हमारे पास आपको 100 से लेके 450 तक की किचन्स आपको मिल जाएंगी डिफरेंट स्टाइल मॉडल्स के अंदर। जी वकास भाई, ये जो हम देख रहे हैं इसके बारे में बताएं। जी ये टेबल एक रनर सेट से 6 mats के साथ है, ये हैंडमेड आइटम्स है पूरा, मैट्स के साथ एक रनर है
और अगर विदाउट मैट्स लेना चाहे तो विदाउट मैट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो क्या प्राइस रेंजेस हैं इनके? इसकी प्राइस रेंज जो है वो हमारे पास अगर सिंगल रनर देखना चाहेंगे तो वो 1000 से लेके 1500 तक की रेंज में मौजूद है। अगर आप पूरा सेट लेंगे तो वो 1800 से 2500 तक की रेंज में मौजूद है। जी वकास भाई, ये जो हम देख रहे हैं कुशन, के बारे में बताएं। जी ये कुशन है, सिंगल कुशन है ये, और इसमें हैंडमेड जैसे आपने रनर सेट देखा ऐसी क्वालिटी में कुशन दिए हुए हैं, और इसमें सोफ़ा वगैरह पर रखने के लिए और डेकोरेशन पीसेस के रखने के लिए ये काम में आ जाते हैं। अच्छा, तो इनकी फैब्रिक की क्या क्वालिटी है? फैब्रिक अच्छा इस्तेमाल हुआ हुआ है, इसमें कॉटन का अंदर इस्तेमाल हुआ है, इसका अस्तर पीछे वो भी कॉटन में दिया हुआ है, आगे जो पेच दिया हुआ है ये सारा हैंडमेड दिया गया है इसका पेच। क्या प्राइस रेंज है? प्राइस रेंज इसके हमारे पास 250 से लेके 450 तक की रेंज में मौजूद है। जी वकास भाई, यहाँ पे जो हम ये देख रहे हैं इसके बारे में बताएं। जी ये ट्रेडिशनल कोटी है, आजकल बहुत इन है, लड़कियों में भी, खवातीन के अंदर भी, बच्चों के अंदर भी हमारे पास मौजूद है। इसके अंदर डिफरेंट कलर डिज़ाइन मेरे पास मौजूद हैं, और ये ज़्यादातर सिंध के अंदर बलूचिस्तान के रॉ मटेरियल हम लोग मंगा लेते हैं और इसको सिंध से हम लोग तैयार करवा लेते हैं। डिफरेंट डिज़ाइन में आपको मिल जाएंगे, शीशे के काम में, विदाउट शीशे में, थ्रेड वर्क वगैरह में, हर तरह के डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे मेरे पास। तो क्या प्राइस रेंज है इनकी? इसमें अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों की स्टार्ट रेंज जो है हमारे पास वो 750 से लेके 900 तक है, और बड़ों की हमारे पास 1050 से लेके 2000 तक की मौजूद है। तो व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम व्यूवर्स को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तमाम ट्रेडिशनल आइटम जो वकास साहब के पास थे इन्होंने आप तमाम व्यूवर्स को दिखाया। जी जनाब, अब व्यूवर्स के बेनिफिट की बात कर लेते हैं। जैसा कि आपने बताया स्टार्टिंग में कि होलसेल में भी आप देते हैं, तो लोगों को इसमें रिटेल में क्या डिस्काउंट मिलेगा और होलसेल में क्या मिल जाएगा? देखें, सबसे पहले आपके व्यूवर्स हमारे पास आते हैं, आपका नाम लेकर आते हैं, तो स्पेशल डिस्काउंट्स होगा उनके लिए, और जो प्राइस मैंने आपको बताई है इससे भी थोड़ा सा मजीद और डिस्काउंट देने पर हम उनको देंगे इंशाल्लाह ताला। जज़ाकअल्लाह, क्योंकि हमारी फैमिली मेम्बर की तरह हमारे व्यूवर्स, जिस तरीके से आप हमारे लिए, उसी तरीके से तमाम व्यूवर्स हमारे लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके व्यूअर्स को नाराज ना करें, जो बेस्ट प्राइस हो उससे कम करके भी हम लोग दें। नाम बता दें शॉप का? जी शॉप का नाम है साहिब राम ट्रेडिशनल। कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें? जी कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर भी है, 03455958903। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी चीज़ पूछनी हो वो आप पूछ सकते हैं हमसे। ओके, तो वकास नाम है आपका? जी वकास सिद्दीकी नाम है। चलिए, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। तो व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम व्यूवर्स को आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। ट्रेडिशनल आइटम देखे, काफ़ी यूनिक थे, काफ़ी डिफरेंट टच था। उम्मीद करता हूँ आप तमाम व्यूवर्स को ये पसंद आए होंगे। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी पेश करते रहेंगे आप तमाम लोगों की खिदमत में। आप तमाम लोगों से यही कहना चाहूँगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।